यमुनानगर में संयुक्त किसान मोर्चा का जबरदस्त हंगामा। किसानों ने ट्रैक्टर से बैरिकेडिंग तोड़ी। जगाधरी रामलीला भवन में बीजेपी की जिला कार्यकारिणी की मीटिंग थी, जिसमें ट्रांसपोर्ट मंत्री मूलचंद शर्मा, कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुज्जर, सांसद रतन कटारिया मौजूद रहने वाले थे। इसी कार्यक्रम का किसान विरोध कर रहे हैं। कार्यक्रम स्थल के बाहर इलाका छावनी में तब्दील हो गया। किसानों ने फायर ब्रिगेड की गाड़ी खींच दी। पुलिस ने किसानों को वहां से हटाने का प्रयास किया। इस दौरान धक्का मुक्की भी हो गई। पुलिस ने कार्यक्रम स्थल पर किसानों को जाने से रोक दिया। किसान वहीं मटका चौक पर धरने पर बैठ गए। किसानों का कहना है कि उन्होंने पहले ही ऐलान किया था कि बीजेपी जेजेपी कार्यक्रम का विरोध होगा और जब तक कृषि कानून रद्द नहीं होते तब तक आंदोलन जारी रहेगा। बीजेपी का प्रोग्राम था, बीजेपी के जो परिवहन मंत्री है मूलचंद शर्मा और शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुज्जर, उन्होंने रामलीला भवन में यहाँ प्रोग्राम रखा था और संयुक्त मोर्चे ने ऐलान किया हुआ है जब तक ये काले कानून वापस नहीं हो गए किसानों का आंदोलन जब तक जारी रहेगा, बीजेपी और जेजेपी के हर मंत्री और हर एमएलए का विरोध किया जाएगा। उसी के तहत आज यहाँ यमुनानगर में विरोध किया गया, बैरिकेड तोड़े गए और काले झंडे मंत्रियों को दिखाए गए। प्रदर्शन जारी है, बैठे हैं अभी सड़क पर और जब तक ये मंत्री वापस नहीं जाते विरोध हमारा जारी रहेगा।